वेलकम टू नुक्कड़ लाइव न्यूज़। मैं मुनव्वर शेख, नुक्कड़ लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के मानकुर मंडला वार्ड नंबर 135 समाजवादी पार्टी के ऑफिस के पास, जहाँ पर आज एक मेडिकल कैंप रखा गया है। तो आइए हम बात करते हैं उनके कार्यकर्ताओं से, आज का किस तरह का मेडिकल कैंप था और लोगों को किस तरह का सपोर्ट मिला। सबसे पहले आपका नुक्कड़ लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर भाई, मैं भी नुक्कड़ प्रेस लाइव को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो लोग आप यहाँ पर आए और ये कैप्चर कर रहे हैं। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है वो आप आकर कैप्चर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आज आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 135 में आज मेडिकल कैंप रखा गया, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? सर ये हमारे रिस्पेक्टेड MLA सर ने के नेतृत्व में रखा गया है मेडिकल कैंप, जो इसको भी कैटरेक्ट्स की बीमारी है जो मोतियाबिंद बोला जाता है, उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो चेकअप होगा, जो भी पेशेंट मिलेंगे उनको अपने साथ ले जाएंगे यहाँ से, और KJ शंकरा हॉस्पिटल है पनवेल में, वहाँ पे उनका ऑपरेशन होगा कल, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन सर, एक पैनी खर्चा नहीं होगा उनका। जो भी चाय पानी खर्चा, नाश्ता जो भी है वो सब हम अपनी तरफ से करके देंगे सर। कोई स्पेशल डे था जो आज आप लोगों ने ये कैंप रखा, या फिर कोई ऐसी? सर हमारे रिस्पेक्टेड MLA सर का बर्थडे आ रहा है, तो हम ऑलमोस्ट ये जब मंथ शुरू होता है तो हम ऐसे ब्लड कैंप, डोनेशन, राशन डोनेशन ये सब करके हम शुरू करते हैं उनका ये मंथ। हम इस तरह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और उनका कहना भी यही है कि मेरे बर्थडे से आप केक वगैरह मत काटिए, ऐसा कुछ करिए कि जिससे आवाम को उनको फ़ायदा मिले। तो किस तरह का मंडला के एरिया में, आपके वार्ड में किस तरह का लोगों को सपोर्ट मिला, कितने लोग आए थे पेशेंट? सर पेशेंट तो 300-400 आ गए, बट हमें जो मिले हैं 70-80 पेशेंट मिले हैं जो जाएंगे साथ में और ऑपरेशन वगैरह कराएंगे। तो देखिए कल हम भी वहाँ पहुँचेंगे ऑपरेशन के लिए, उनके हॉस्पिटल में हम भी जाएंगे, जो भी सपोर्ट रहेगी हमारी तरफ से हम भी करेंगे। तो ये जो कैंप रखा था आज कितने बजे से कितने बजे का था? सर 9:30 बजे शुरू हो गया था ये कैंप, और 9:30 बजे से यहाँ के लोग आना शुरू हो गए थे, और हम लोगों ने हर जगह बैनर भी लगाया, पर्सनली जाके विजिट भी किया है सबके घरों पर। तो 9:30 बजे से यहाँ पे आना लोग शुरू हो गए। देखिए अभी भी आप देख रहे हैं पीछे भीड़ काफ़ी लगी हुई है, और कुछ लोग और भी आ रहे हैं, तो अभी ये 3:30-3 बजे तक चलेगा ये कैंप। जी तो किस तरह का लोगों को मैसेज देना चाहिए कि जो मंडला जो एरिया है, इलाका जो स्लम एरिया है, यहाँ पे काफ़ी कम मेडिकल कैंप वगैरह देखा जाता है, और ऐसे में आपने ये मेडिकल कैंप रखा बहुत बड़ी बात है सर, तो क्या कहना चाहिए लोगों के बारे में? सर मैं तो लोगों को अवेयर करते रहता हूँ कि भाई जो भी आपको तकलीफ है आइए, और हम ऐसे कैंप रखते रहेंगे इंशाल्लाह, आगे इन फ्यूचर भी ऐसे कैंप रखते रहेंगे। और MLA सर के नेतृत्व में जो भी काम होता है सर इसी तरह से होता है, और जब भी उनका बर्थडे होगा, बर्थडे वाले दिन भी हम लोगों ने एक कैंप रखा हुआ है जिसमें हम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट आई चेकअप करके चश्मा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कहाँ पर रहेगा? ये सेम ऑफिस पे रहेगा सर। हाँ जी, जो चश्मा, जिनको चश्मा लगेगा चश्मा, और जिनको ऑपरेशन होगा सेम ये कैंप वापस हम रिपीट करेंगे 8 अगस्त को। तो ये जो कैंप रखा गया सिर्फ ये मंडला के लिए है, या फिर और भी लोग जैसे शिवाजी नगर हो गया, मानकुर से हो गया, कोई कहीं के लोग आएंगे तो वो लोग को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, जो भी चाहिए आए यहाँ पर, हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये एक वार्ड के सीमित रहेगा, जितने भी वार्ड हैं जो भी जहाँ से भी आना चाहे वो आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद थे जाहिद शेख, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था आइस चेकअप। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज जो नेता है, हम इनको युवा कहेंगे क्योंकि हमेशा ये आगे बढ़ते हर काम के लिए। तो गयासुद्दीन सर आपका स्वागत है हमारे नुक्कड़ लाइव न्यूज़ चैनल में, क्या कहना चाहिए सर कैंप के बारे में? देखिए जनाब बाबू आसिम आजमी साहब का बर्थडे है, और हम लोग बर्थडे इसी तरह का सेलिब्रेट करेंगे, 8 दिन तक लगातार कुछ न कुछ ऐसा ही काम करेंगे जिससे गरीबों को फ़ायदा हो। आमदार साहब ने कहा है कि मेरा बर्थडे केक मत काटो, कुछ मत करो, लेकिन हम लोग उनका 8 तारीख को बहुत बड़ा हम लोगों ने कैंप रखा है रफीक नगर में। ये आपका ये भी होगा, कैटरेस का होगा, चश्मा वाटप होगा, ब्लड टोटल बॉडी चेकअप ब्लड का फ्री होगा, ECG फ्री होगी, और यहाँ मंडला में भी 8 तारीख को चश्मे का शिविर और ये फुल बॉडी चेकअप फ्री, और ECG वगैरह सब फ्री होगी, और हम लोग दवाओं का भी मेडिकल कैंप 8 तारीख को रखने वाले हैं, बहुत बड़ा कैंप रखने वाले हैं। सब तरह की बीमारी का चेकअप होगा, और ज़रूरत पड़ी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके हॉस्पिटल में उनका पूरे इलाज का खर्च
हम लोग अबू आसिम आदमी के नेतृत्व में हमारे बॉस से लेकर के करेंगे वो काम। और उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए कुछ भी रहेगा मेरे मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं करूँगा। देखिए ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, देखिए कितनी बढ़िया बिल्डिंग है और कितनी बड़ी बिल्डिंग है। जिस हॉस्पिटल से हम लोगों ने टाइप किया है उस हॉस्पिटल में सोनोग्राफी, आँख की सोनोग्राफी कहीं आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इस हॉस्पिटल में आँख की सोनोग्राफी भी होती है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है आमदार साहब के नेतृत्व में, और इंशाल्लाह 8 तारीख उनका बर्थडे, 8 तारीख तक ये कुछ न कुछ सिलसिला चलता रहेगा। किस तरह का मैसेज देना चाहिए हमारे नुक्कड़ लाइफ न्यूज़ के चैनल के माध्यम से लोगों को? सर हम बस यही मैसेज देंगे कि जब लोगों के लिए हम कुछ रखते हैं तो आप लोग भारी से भारी तादाद में यहाँ पर आएँ, ताकि आपको भी पता चले कि आगे क्या होने वाला है और आप उस फ्री चीज़ों का लाभ उठाएँ। थैंक यू। मेडिकल कैंप में कुछ पेशेंट आए थे, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे किस तरह की उनको सुविधा मिली, किस तरह की सुविधा मिली आप यहाँ पर आए थे? मैं मेरी बेटी को लेके आई थी, उसका थोड़ा आँख का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोले कि पनवेल लेके जाओ, वहाँ तुम्हारा सब फ्री हो जाएगा, पैसा पानी तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा। ये बहुत मतलब हम लोग को हेल्प करते हर चीज़ में, हर उसमें। मुझे शुगर था, इसके पहले और भी कैम्प आया, तो हमको रिलायंस की तरफ से कार्ड मिला, हमको उधर से भी फ्री में दवा मिलती है। वो मतलब इधर से हमको ये समाजवादी पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, ये स्लम एरिया बहुत गरीब एरिया है, यहाँ पे और भी मेडिकल वगैरह लगते हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही करती है या फिर? नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी यहाँ पे अभी तक करते हुए आ रही है, यही करते हुए, और कोई पार्टी ने आज तक ऐसा हाथ उठा के काम नहीं किया। तो किस तरह की आपने चेकअप कराया था अपनी बेटी की? उसकी थोड़ा आँख का प्रॉब्लम है, तो शायद उसके लिए इन्होंने बोले कि वहाँ लेके जाने, पनवेल के हॉस्पिटल में। हाँ, मतलब मेरे उधर आपको फ्री में हो जाएगा, सब कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पर मेडिकल कैंप में, सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी पूरी मिल जाएगी? हाँ, पूरी मिल जा रही है। और जैसे मुझे शुगर का था, बीपी का था, तो मुझे भी सुविधा अच्छी मिली इधर। तो अभी आप नॉर्मल हो या फिर अभी भी आपको थोड़ी बहुत शिकायत है? नहीं, मुझे एकदम नॉर्मल कर दिए। जैसा मेरे को 500-600 रहता था, जब से मेरी दवा वहाँ से चालू है, तो वहाँ से मुझे अभी 150 ऐसा मेरा नॉर्मल आता है। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? जब से समाजवादी पार्टी में ये भाई आए, जाहिद भाई, जब से हम लोग को बहुत सुविधा है और हर चीज़ का आराम हो गया है, जैसे दवे से लेकर हर चीज़ का हम लोग को बहुत आराम है। जब मुझे भी कुछ प्रॉब्लम था जिससे मैंने भी दवा लाई हूँ, तो मुझे भी बहुत आराम है अभी बेशक। और जाहिद भाई जब से आए हैं, जब से हम लोग को हर चीज़ की सुविधा है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। मतलब जाहिद भाई से हम लोग को बहुत उम्मीद है, अगर ये जीत के आएंगे तो हमारे लिए आगे चल के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस कैंप के बारे में? आज जो कैंप रखा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप क्या कहना चाहोगे? कैंप में बहुत सारी पब्लिक आई है, फ्री में इलाज चालू है, और ये मोतियाबिंद जो है कई पेशेंट जा रहे हैं, अभी सब बैठे हैं पनवेल में लेके जाएंगे, उनका फ्री में ऑपरेशन होगा, दवा इलाज जो भी है करके यहाँ पे ला के छोड़ा जाएगा उनके घर तक का। ये जो स्लम एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारी बीमारी, मतलब जो गरीब जो होते हैं इंसान, जो गरीब होते हैं, वो जैसे शताब्दी हॉस्पिटल हो गया, उनके पास खर्चे भी नहीं होते, और बाजू में ही आपके कैंप रखा गया, तो किस तरह का आप उसको देखे थे? कैंप जो रखा गया उससे बहुत सारी सुविधा मिलती है, कैंप में फ्री इलाज होता है, और हमारे हाशिम भाई का इधर ऑफिस दवा खाना है बड़ा, उसमें भी इलाज फ्री है, गरीब जनता जाती है, फ्री में इलाज उनका होता है, जो भी तकलीफ है उनका दूर होता है। अब एक साल से ऑपरेशन नहीं कराए थे, पैसे पानी नहीं था इसके लिए, अब ये बेचारे जाहिद बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोग को बताए। देखा आपने किस तरह का लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिला मेडिकल कैंप के समाजवादी पार्टी ने जो रखा था आज, तो कुछ डॉक्टरों से भी बात करेंगे जो यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए, तो हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए किस तरह का उनको आज यहाँ पे कैसे पेशेंट देखने मिले, सर कैसे पेशेंट यहाँ पे देखने मिले आपको, यहाँ पे ज़्यादा करके कौन सी बीमारी यहाँ पे आपको? यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट के पेशेंट है यहाँ पे, और बच्चे भी आ रहे हैं चेकअप करवाने के लिए, और कौन सा भी नॉर्मल है सबजन, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 65 या 50 के ऊपर ही सबजन पेशेंट है, और अच्छे है कैटरेक्ट के पेशेंट है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका ऑपरेशन करने वाले हैं हॉस्पिटल में जाके, आर झुंझुनवाला शंकर आई हॉस्पिटल है हमारा पनवेल में, न्यू पनवेल में, तो वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सब ऑपरेशन कैटरेक्ट पेशेंट का करने वाले हैं। तो जो ऑफिस है समाजवादी पार्टी का, वहीं पर हमने कैंप अरेंज किया था सर ने, और हम फ्री में ऑपरेशन करने वाले कैटरेक्ट का। थैंक यू।